फ्रेंड्स, मैं हूँ सिनेमा आजकल और आज मैं बताऊंगा आपको गोविंदा की ब्लॉकबस्टर फिल्में लाइन बार से टोटली। तो स्टार्टिंग करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे है जोड़ी नंबर 1 2001 में संजय दत्त गोविंदा की ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसका बजट था 10 करोड़ रुपया और कलेक्शन था 35 करोड़ रुपया एज ए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ठीक है, सेटेलाइट अधिकार और ब्रांडिंग ओवरसीज मिला के ये चल देगा आराम से। फिल्म अभी आती कम 70 करोड़ रुपए में। ठीक है, नवे नंबर पे आती है बड़े मियाँ छोटे मियाँ 1998 की फिल्म अमिताभ बच्चन और क्या बोलते हैं उसको अमिताभ बच्चन और गोविंदा की। एक बार अमिताभ बच्चन ने गोविंदा का जब डाउनफॉल था तो हमें चांस दिया था, तो गोविंदा ने उस बात को याद रखा। जब अमिताभ बच्चन का डाउनफॉल हुआ तो उन्होंने उनको बड़े मियाँ में चांस दिया। ये होता है प्यार मोहब्बत, प्यारिश मोहब्बत। बजट था 9 करोड़ रुपया, कलेक्शन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 36 करोड़ रुपया, ओवरसीज म्यूजिक राइट्स और सेटेलाइट अधिकार मिला के ये फिल्म आराम से चल देगी 75 करोड़ रुपया। कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। ठीक है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में तो उतना नहीं मिलेगा प्रोड्यूसर को, लेकिन इस टोटल ये फिल्म 75 करोड़ कमा ली। ये आठवें नंबर पर 1998 की फिल्म दुल्हे राजा 1998 गोविंदा के लिए बहुत अच्छा था, 1997 बहुत अच्छा था। तो दुल्हे राजा का बजट था 5 करोड़ रुपया और कलेक्शन किए थे इसने 20 करोड़ रुपया, म्यूजिक राइट सेटेलाइट अधिकार मिला के ये आराम से 32 करोड़ रुपया 35 करोड़ रुपये तक चल देगी। ठीक है, उतना बड़ी हिट नहीं थी। ठीक है, लेकिन आती उसके बाद आती है सातवें नंबर पर हसीना मान जाएगी 1997 की। यहाँ से गोविंदा की झड़ी स्टार्ट होती है। देख लो, बजट था 10 करोड़ रुपया, प्रोड्यूस किया था मिस स्मिता ठाकरे बाल ठाकरे की बहू ने और कलेक्शन किया था बम्फर में, उसे बॉम्बे में गया था। 15 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हो रही थी तो कारगिल का भी मैटर चल रहा था उस समय, तो कारगिल वाला युद्ध चल रहा था अपना। तो ये फिल्म बहुत अच्छी गई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 40 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इसका म्यूजिक राइट सेटेलाइट अधिकार और ब्रांड प्रमोशन मिलकर ये फिल्म आराम से स्मिता ठाकरे ने इसमें छाप दिए हैं 80 करोड़ रुपए। ठीक है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अलावा बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, दीवाना मस्ताना आई थी 1997 की, दिवाली में रिलीज हुई थी, मैं देखने भी गया था। इसका बजट था 7 करोड़ रुपया, अनिल कपूर गोविंदा की धमाल केमिस्ट्री, धमाल सामान की एंट्री भी बढ़िया, डेविड धवन की फिल्म, ये सब डेविड धवन की फिल्म में आदर ज़्यादा। बजट था इसका 7 करोड़ रुपया, कलेक्शन इसने बॉक्स ऑफिस पर किया था 24 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, लेकिन इसका म्यूजिक राइट सेटेलाइट अधिकार ओवरसीज मिला के इसने 60 करोड़ रुपया टोटल कलेक्शन किया इस फिल्म ने। ठीक है, अब पांचवें नंबर देता हूँ मैं 1997 की हीरो नंबर 1। एक तरफ बहुत प्यार किया तो डरना किया है, दुनिया भर के पिक्चर आए, लेकिन हीरो नंबर 1 ने जो दर्शकों को बांधा, गाने का फिल्म भी माइंड ब्लोइंग, मैं तो कम से कम 10 बार देखा हूँ, बहुत अच्छी फिल्म। बजट था 6 करोड़ 7 लाख रुपये का बजट था और 6 करोड़ 70 लाख का बजट था और कलेक्शन किया था इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 50 लाख का इसने कलेक्शन किया था और इसका सेटेलाइट ओवरसीज सब म्यूजिक मिला के काफ़ी महंगे में बिकी थी हीरो नंबर 1 1997 की ये। तो ये फिल्म ने टोटल हीरो नंबर 1 में हीरो वासु भगनानी को कम से कम 90 करोड़ रुपये कमा के दिए थे। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ मैं 1996 की साजन चले ससुराल जिसका बजट था 4 करोड़ 40 लाख रुपए और बॉक्स ऑफिस पर इसने कलेक्शन किया था करीब 25 करोड़ रुपए और म्यूज़िक नदीम श्रवण का था तो बहुत हैवी में गया था और सेटेलाइट एड्रेस सब मिला के इस फिल्म ने कलेक्शन किया करीब 65 करोड़ रुपया। उस समय बहुत होता था 1996 में 65 करोड़, आज का कम से कम 150 करोड़ रुपया। थर्ड नंबर पे आती है मेरी फेवरेट एंड सबकी फेवरेट कुली नंबर 1 जिसको देख देख के मैं बोर ही नहीं होता, बहुत प्यारी पिक्चर, बहुत प्यारी। 1994 की इसका बजट था मात्र 3 करोड़ 50 लाख रुपया, बॉक्स ऑफिस पर इसने ऐतिहासिक कलेक्शन करके 25 करोड़ रुपया किया। सेटेलाइट एटेलाइट तो बहुत महंगे बिके थे कि गोविंदा की लाइन बार से चल रही थी
तो कुली नंबर वन का बिजनेस था टोटल सब मिला के 95 करोड़ रुपीज, सेटेलाइट लाइट म्यूजिक ओवरसीज मिला के, ठीक है। दो नंबर पे आती है गोविंदा की आंखें, जिसका बजट था 2.5 करोड़ रुपया, उसका बजट था बॉक्स ऑफिस में इसने कमा लिए थे उस समय 22 करोड़ रुपये, और सेटेलाइट म्यूजिक मिला के उस समय इसने कमाए थे करीब 50 करोड़ रुपये, उस समय ज़्यादा वो नहीं था, तो 50 करोड़ रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम होती है, आज की डेट से मैं करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और नंबर वन तो नहीं है ये, नंबर वन तो मैं आपको दूंगा एक्शन के मामले में गोविंदा की सबसे अच्छी फिल्म कुली नंबर वन ही है, जिसने करीब 95-100 करोड़ रुपये कमा के दिए एज ए सब कुछ मिला के, ठीक है। और लेकिन मैं डेट वाइज बता रहा हूँ, तो 16 शबनम गोविंदा की आई थी दिव्या भारती के साथ में, डेविड धवन के साथ में, और बहुत पहली गोविंदा की सोलो हिट थी। गोविंदा उस समय फ्लॉप चल रहे थे, तो उन्होंने अपने मम्मी का पैर धोया और उस पैर धो के जो पानी था पी दिया, उसके बाद उनकी रिलीज हुई फिल्म 16 शबनम आँखें कुली नंबर वन। गोविंदा का खुद इंटरव्यू है, और इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ रुपया, और बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए थे 17 करोड़ रुपया, और म्यूजिक राइट्स और सब कुछ मिला के इस फिल्म का टोटल कलेक्शन था करीब 35 करोड़ रुपया। 35 करोड़ रुपया उस समय बहुत हैवी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, शुक्रिया और शब खैर दोस्तों।